क्वेश्चन, ऑप्शनल 5.4 थर्ड क्वेश्चन। अ लैडर हैज अ रंग 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ये जो लगे हुए हैं ना जिसपे हम पांव रख के चढ़ते हैं, हर एक के बीच में कितने का डिस्टेंस है? 25, राइट। अब रंग डिक्रीजेस, अब इनकी लेंथ कम होती जा रही है, डिक्रीजेस 45 सेंटीमीटर थी बॉटम पे और वही डिक्रीज होके ऊपर पहुंच गई 25। अब आपको बताना है लेंथ निकालनी है, इस रंग को बनाने में कितनी लेंथ लगी। पहले हमें इन रंग को ये भी तो पता करना है कि ये कितने हैं, एन कितने हैं, फिर सबकी लेंथ पता करके हमें प्लस करना है। और हमें गिवन क्या है, ये पूरी एपी बन जाएगी। हमें गिवन है फर्स्ट टर्म, चाहे आप 25 से स्टार्ट कर लो चाहे 45 से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो अब फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 25, लास्ट टर्म हमारी हो गई 45, लास्ट रंग। अब हर एक के बीच में कितना डिस्टेंस है? 25। फर्स्ट और लास्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर विच इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ रंग कैसे निकलेंगे, क्योंकि वही हमारा एन है, नंबर ऑफ रंग्स एन, वो कैसे निकलेगा? देखिए, जितना टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, उसको जितना एक के बीच में डिस्टेंस है वो प्लस वन। अब मैंने प्लस वन क्यों किया, यहां समझो, इसके बीच में 25 का डिस्टेंस है, इसके बीच में 25 का डिस्टेंस है, ये बीच में 25 का डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 75 सेंटीमीटर। लेकिन ये कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4। तो कैसे निकला ये टोटल गैप कितना है? 1, 2, 3 प्लस 1, आ गए ना 4। तो इसीलिए हमने यहां ये प्लस 1 किया है। अब ये हमारा आ गया एन, जो कि हमारा आ गया 11। एन 11 है। अब हर एक में जो हमें क्या गिवन है, ए लास्ट टर्म, राइट, और एन, हमें निकालना है एस एन, यानी इन रंग को बनाने में टोटल कितने हमारी लकड़ी यूज हुई है, एस एन निकालना है। अब एक फॉर्मूला है आपके पास ये, राइट, एक और फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो डी तो है नहीं हमारे पास, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ये लगा देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। इतना टोटल सेंटीमीटर वुड वी नीड टू मेक ऑल द रंग्स।